Hello, today we are going to discuss one of the most important topics of grammar, that is participle. Okay, participle is a non-finite verb. Okay, participle समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि ये होता क्या है, root क्या है इसकी participle की. ठीक है, so participle is a non-finite verb. Non-finite मतलब verb जो है दो type की होती है, finite and non-finite. फाइनाइट वर्ब तो होती है जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए, टेंस चेंज होगा तो चेंज हो जाएगी. बट नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो होती हैं वो सेंटेंस में सब्जेक्ट चेंज होने पे, टेंस चेंज होने पर उसका कुछ भी चेंज नहीं होता, मतलब वो सब्जेक्ट या टेंस से रिलेट नहीं होती है. ओके, तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो है जो थ्री टाइप्स की होती है, मतलब ऐसी वर्ब्स जो सेंटेंस में वर्ब का काम नहीं करती, होती तो वो वर्ब है लेकिन वर्ब एज अ वर्ब बिहेव नहीं करती है, दैट इज नोन एज non-finite verbs. तो non-finite verbs three types की होती है, gerund, infinitive and participle. ठीक है, तो gerund and infinitive we will discuss some other day. Today we will discuss participle. ठीक है, participle क्या होता है? When verb behaves like an adjective is known as participle. जब हमारी जो verb होती है वो sentence में as an adjective काम करे. ठीक है, एडजेक्टिव यू नो, एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे, डिस्क्राइबिंग वर्ड इज नोन एज एडजेक्टिव. तो जब वर्ब जो है वो एडजेक्टिव की तरह काम करे, दैट इज नोन एज पार्टिसिपल. ठीक है, अभी एग्जांपल से समझ में आ जाएगा. अब पार्टिसिपल जो है वो थ्री टाइप के होते हैं. ठीक है, पार्टिसिपल जो है थ्री टाइप के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल. प्रेजेंट, पास्ट एंड परफेक्ट. अब प्रेजेंट पार्टिसिपल, फर्स्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल किसको बोलते हैं? जिसमें क्या होता है, वर्ब वी वन प्लस आई एन जी. जो वर्ब की फॉर्म होती है वो पांच टाइप की होती है. ठीक है, फाइव टाइप्स, वी वन, वी टू, वी थ्री, वी फोर, वी फाइव. वी वन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे रीड, वी टू जैसे सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब वेंट, वी थ्री थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, V4 means ing form and V5 first form of the verb plus S or ES. ठीक है, तो जो participle है वो इन पांचों में से तीन verb की form, sorry two verb की form को as in participle हम use करते हैं. ठीक है, तो V1 मतलब third form, sorry V3 मतलब third form and V4 means first form plus ing. ठीक है, तो फर्स्ट टाइप हमारा है प्रेजेंट पार्टिसिपल. प्रेजेंट पार्टिसिपल मीन्स वी वन प्लस आई एन जी. ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, और वो कैसे काम करेगी? एज एन एडजेक्टिव. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब एडजेक्टिव का काम करे तो उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल. राइट, प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब आई एन जी फॉर्म का मतलब होता है कॉन्टिन्यूस. जब हमारा एक्शन प्रोग्रेस में हो, कंटिन्यूस में चल रहा हो, दैट टाइम वी यूज वी वन प्लस आई एन जी. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट पार्टिसिपल का एग्जाम्पल हम समझते हैं कैसे. शी लाइक्स अ डांसिंग डोल, मतलब लाइक्स तो होगी इसमें मेन वर्ब, वो डांसिंग डोल पसंद करती है. ठीक है, डोल यहाँ पर नाउन है. अब ये डोल कैसा है, डोल कैसी है? डांसिंग. तो यहाँ पर जो आई एन जी फॉर्म है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है. ठीक है, प्रेजेंट मतलब ये आई एन जी फॉर्म इस डोल नाउन को डिस्क्राइब कर रही है, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के नाम से जानी जाती है. ठीक है, एक वन मोर एग्जांपल, ही सोल्ड द वर्किंग मशीन्स. सोल्ड यहाँ पर मेन वर्ब है. ठीक है, एंड वर्किंग यहाँ पर आई एन जी फॉर्म वर्ब है, लेकिन ये किसका काम कर रही है? मशीन को डिस्क्राइब कर रही है. ये मशीन हमारा नाउन है और नाउन को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड को एडजेक्टिव कहते हैं, तो ये वर्किंग यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो ये हम इसको आई एन जी फॉर्म जब एडजेक्टिव का काम करे तो हम उसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल. राइट, नेक्स्ट वन इज पास्ट पार्टिसिपल. पास्ट पार्टिसिपल मीन्स वी थ्री. जब पास्ट पार्टिसिपल का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, जब वर्ब की थर्ड फॉर्म एज एन एडजेक्टिव वर्क करे तब उसको हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल. वी थ्री मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वो कैसा काम, कैसे एक्शन कर रही है वो एज एन एडजेक्टिव. फॉर एग्जाम्पल, रोस्टेड टोस्ट टेस्ट ऑफली. टोस्ट हमारा नाउन है और वो टोस्ट कैसा है? रोस्टेड.
जला हुआ, मतलब उसको नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, रोस्टेड है, टोस्ट कैसा, रोस्टेड। और यहाँ पर हमारी वर्ब की फॉर्म कौन सी है, थर्ड। जब वर्ब की थर्ड फॉर्म एज एन एडजेक्टिव काम करे तो उसको हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अ टायर्ड पर्सन कांट बी प्रोडक्टिव, मतलब आदमी कैसा, टायर्ड पर्सन, आदमी कैसा, थका हुआ, टायर्ड। तो ये इस पर्सन को डिस्क्राइब कर रही है टायर्ड, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो जब वर्ब की थर्ड फॉर्म एज एन एडजेक्टिव काम करे तो उसको हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, करेक्ट। नेक्स्ट, थर्ड पार्ट इज परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये होता है हमारे एक्टिव फॉर्म में, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जब एज एन एडजेक्टिव काम करे। इसमें जो एक्शन होता है वो कंप्लीट एक्शन होता है, इसमें भी एक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका होता है, उसमें थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। इसमें भी सेम एक्शन हमारा कंप्लीट होता है तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस हैविंग हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हैविंग बीन डिफीटेड ही रैन अवे। यहाँ पर हैविंग बीन डिफीटेड जो है हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस हैविंग, और बीन क्यों लगा है, क्योंकि ये पैसिव हो इसका सेंटेंस है इसलिए, करेक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हैविंग बीन बीटन अप ही बिगेन टू क्राई। ये हैविंग बीन बीटन अप हमारा ये हो गया परफेक्ट पार्टिसिपल, इसमें भी कंप्लीटेड है वर्ब। हैविंग कंप्लीटेड हिज बुक ही पब्लिश्ड इट। ये हमारा सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का, ये दोनों हमारे सेंटेंस थे पैसिव वॉइस के, इसलिए इसमें बीन यूज हुआ था, इसमें बीन नहीं है, इट मीन्स ये हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। हैविंग कंप्लीटेड, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इज एक्ट एन परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है। हिज वर्क, हिज बुक ही कंप्लीटेड इट, ठीक है, करेक्ट। तो हमने क्या पढ़ा, पार्टिसिपल में तीन टाइप के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड परफेक्ट। ING फॉर्म जब एडजेक्टिव का काम करे प्रेजेंट पार्टिसिपल, जब वर्ब की थर्ड फॉर्म एज एन एडजेक्टिव काम करे तो पास्ट पार्टिसिपल, और जब हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एज एन एडजेक्टिव काम करे तो वो परफेक्ट पार्टिसिपल। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, थैंक यू।